लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया 1975 की इमरजेंसी का जिक्र। युवाओं से पूछा सवाल, क्या आपको पता है कि आपके माँ बाप से छीना गया था एक बार जीवन का अधिकार। दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल। मोदी सरकार ने दी शिवसेना के 15 बागी विधायकों को वाई प्लस सिक्योरिटी। शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। उद्धव सरकार ने पुलिस अधिकारी को निर्देश देकर हटा ली थी घरेलू सुरक्षा। G7 शिखर सम्मेलन में जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम का हुआ भव्य स्वागत। 26 और 27 जून को 2 दिन चलेगा सम्मेलन। जर्मनी की चांसलर ओलाफ शाल्ज ने दिया था निमंत्रण। यूपी विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत। रामपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी जीते। वहीं आजमगढ़ सीट से एक्टर दिनेश लाल निरहुआ की जीत। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। शिवसेना के बागी विधायकों की घरेलू सुरक्षा हटाने का बड़ा खुलासा। खुद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया सरकारी चिट्ठी। शिवसैनिकों के आक्रोश के बीच सुरक्षा हटाने से बागी विधायकों के यहाँ हमले का बड़ा खतरा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने DGP को खत लिखकर फिर सुरक्षा मुहैया कराने का दिया निर्देश। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर का सीएम उद्धव ठाकरे से गुहार। मान जाओ आपके गुट ने खो दिया है बहुमत। केसरकर ने दिलाया याद, बीजेपी गठबंधन के साथ जीते थे चुनाव, इसलिए करना चाहिए लोकतंत्र का सम्मान। उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके एकनाथ शिंदे के खिलाफ नई मुंबई शिवसेना का प्रदर्शन। बागी विधायकों के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे को बताया गद्दार। उद्धव ठाकरे को दिया समर्थन। राजनीतिक संकट से तमाम शिवसैनिकों में असमंजस। एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के समर्थन में कई ठिकानों पर रैली। नागपुर बुलढाणा में शिवसैनिकों ने निकाली रैली। एकनाथ शिंदे के फैसले को शिवसेना के लिए बताया जरूरी। कई विधायकों ने भी एकनाथ शिंदे को दिया समर्थन। महाविकास आघाड़ी से नाता तोड़ने का सुझाव। शिवसेना ने 15 बागी विधायकों के खिलाफ शुरू की कानूनी लड़ाई। डिप्टी स्पीकर को भेजा नोटिस। शिवसेना के वकील ने बताया, विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का धरातल मजबूत। वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर को हटाने की उठाई मांग। नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन कमजोर पड़ने के आसार। 24 जून के आंदोलन में ज्यादा प्रकल्पग्रस्तों के नहीं शामिल होने पर सवाल। सर्वपक्षीय कृति समिति ने दिया जवाब। पुलिस की भारी नाकाबंदी को बताया कारण, दीवा पाटिल का नाम दिलाने 1 साल से चल रहा है नामांतरण आंदोलन। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।